हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने हैं और उन डॉक्यूमेंट को आप कैसे सबमिट करवाएंगे, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको ऑफिशियल साइट पर ले चलती हूँ, वहाँ पर जाने के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने हैं। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में एक लिस्ट है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अपलोड किया हो गया है, वहाँ की ये PDF है। बट बाकी यूनिवर्सिटी में भी मोस्टली यही सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक दो अगर कम ज़्यादा होता है तो वो उनके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो जर्नल है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो तो है, सबसे पहले 10th की मार्कशीट, देन 12th की मार्कशीट, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई की है तो उनके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर डिग्री है तो डिग्री, अदरवाइज मार्कशीट भी चलेगी। देन एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपके 12th, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th के स्कूल से आपको मिलेगा, और अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन के जो भी हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन होगा वो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बना के देता है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये तो सभी बच्चों को चाहिए है, और बाकी जिनकी कैटेगरी है तो उनको उनको क्या क्या चाहिए है? उनको चाहिए है कास्ट सर्टिफिकेट, देन PWD का सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, देन उसके बाद अगर J&K से हैं तो J&K का डोमिसाइल, कश्मीरी माइग्रेंट, डिफेंस कैटेगरी, अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप उसको उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करवाएंगे। और अगर PH स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट और गेट और GPAT का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो ये ही थी चीज़ें। बट अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक एफिडेविट बनाकर दे देना है। तो उसके लिए भी इन्होंने नीचे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये देखो, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग के तौर पे इस तरीके का एक बना के दोगे। ये एग्जैक्टली आप नहीं बनाओगे क्योंकि ये राजस्थान के लिए, बट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, पंजाब, हरियाणा, तो वो अपनी साइट पर ऐसा ही कुछ डालेंगे कि अगर आप नहीं सबमिट करवा पा रहे हो तो आपको अंडरटेकिंग में क्या क्या लिखवाना है। तो इस तरीके का कुछ आपको देंगे, वो आपको ये लिखवाना है, एक एफिडेविट बनता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो इस तरीके से कुछ बनेगा, वो सब इन्होंने यहाँ पर बता दिया हुआ है। तो ये राजस्थान की बात थी, राजस्थान वालों ने अभी अपडेट कर दिया है, बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले भी अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल देंगे कब कब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर एक दो डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो उसमें एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये है कि एक टाइम लिमिट के अंदर आपको वो सबमिट करवाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं सबमिट करवा पाते हो फिर आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अभी से तैयारी रखें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक और चीज़ डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो मैंने बोली है, तो डॉक्यूमेंट के जब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम ही वो आपको क्या बोलेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, नहीं तो काउंसलिंग के टाइम आपको बोलेंगे डॉक्यूमेंट जो है आपने वो अपलोड कर दो, क्योंकि अब ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ तो आप उनको पर्सनली तो डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं सकते, आपको अपलोड ही करने पड़ेंगे। तो बीच में एक प्रोसेस होगा कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के टाइम या काउंसलिंग के टाइम कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन सबमिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ऑनलाइन सबमिट करवा देना, वो वहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये रहेगा, जब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तो मैं भी आपसे कॉपी मांगे, वैसे मुझे लगता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन जिस तरीके से फॉर्म फिल होता है उसी तरीके से आपके ये डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए यही मेन था कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं। अगर कुछ भी डाउट रहता आप मुझे पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। आई होप डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपके थोड़े डाउट तो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।